Hi guys, I hope I'm audible. Please. So, good afternoon everyone, good afternoon, and welcome for the YouTube session. For today's YouTube session. ओके हाय हाय एवरीवन हेलो एंड आज का यूट्यूब सेशन है ऑन द टॉपिक वलवल फॉर्मेशन वलवा डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ द मेकनिज्म हाउ दिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड एंड किस तरह से वल्वा का फॉर्मेशन होता है एंड व्हाट इज़ दिस वल्वा बेसिकली ठीक है तो आज की क्लास में हम लोग इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करने वाले हैं मीन वाइल इफ़ आई एम ऑडिबल इफ़ यू कैन रिप्लाई जस्ट रिप्लाई Just give one thumbs up if everything is fine. That I can understand, it's going fine. Audio, video, all good. Okay, good afternoon. Thank you so much. Thank चलिए तो फिर हम लोग वल्वा फॉर्मेशन का आज बात करने वाले हैं उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सो दिस इज़ माई प्रोफाइल आई हैव क्वालिफाइड सी एस आई आर जे आर एफ इन डिसम्बर टू थाउजेंड सेवेंटीन एंड जून टू थाउजेंड एटीन मैंने क्वालिफाई किया था विथ ऑल इंडिया रैंक फिफ्टी नाइन दोनों बार मेरा ऑल इंडिया रैंक फिफ्टी नाइन था गुड आफ्टरनून सौम्या मुकेश हेलो ओके

फीस नहीं देना है उसके अलावा कुछ पेड सेशन होते हैं अनेकैडमी प्लेटफॉर्म पे जिसे हम प्लस क्लासेस कहते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब टू प्लस क्लासेज और यू कैन टेक फ्री सेशंस आप देख सकते हो फ्री सेशन जिसे स्पेशल क्लासेस बोलते हैं इट इज़ वेरी बेनिफिशल बिकॉज बहुत सारे स्पेशल क्लासेज एवरी डे अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर होते हैं किन इंस्टॉल एन साइन अप टू अन अकेडमी ऐप यू कैन यूज़ माई कोड के ए टेन लाइव एंड देन यू कैन सर्च मी बाई माई नेम ऑल्सो वे यू कैन गेट ऑल माई लाइव क्लासेस देर हाँ uh, का फॉर्म कब आएगा प्रिया सो इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क्स स्टिल अभी नहीं पता देखिए सेप्टेंबर एंड या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आना चाहिए डेफिनेटली क्योंकि अगर नवंबर में हम प्रिडिक कर रहे हैं लाइक लास्ट ईयर के जैसा अगर नवंबर में एग्जाम होता है तो एटलीस्ट उन्हें अभी रिलीज करना होगा फॉर्म तो अगर नवंबर में एग्जाम होना है तो अभी आपको फॉर्म uh, मुझे लगता है एंड ऑफ सेप्टेम्बर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक रिलीज़ हो ही जाएगा तो विल हैव टू वेट हैव सम डोंट वरी कीप ऑन प्रिपरेशन आप अपने प्रिपरेशन को चालू रखिए कंटिन्यू रखिए एंड कीप द स्पिरिट ऑन ठीक है आप अपने अंदर के जज्बे को बुझने मत दीजिए ठीक है एग्जाम होगा ज़रूर होगा कभी ना कभी होगा बट यूल है पेशेंट एनअ एंड अपना तैयारी को भी कंटिन्यू रखना है ना तैयारी भी करते रहना नेक्स्ट एग्जाम नेक्स्ट एग्जाम सी ए सर वट आर यू सेंग मतलब अभी आईसीएमआर के बाद बोल रहे हैं येस एस सी एस आर होगा होगा एग्जाम डेफिनेटली होगा इस ईयर में नवंबर uh, या दिसंबर में होगा नवंबर इज ज्यादा प्रिडिक्टेबल बिकॉज लास्ट ईयर भी उन्होंने नवंबर में एग्जाम किया था डोंट डोंट वरी प्रिया बस आप अपना तैयारी करिए तैयारी के ऊपर पूरा फोकस डालिए देखिए एग्जाम कब होगा मुझे पता है जो एक्जा, जो एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सिचुएशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है टू जस्ट वेट फॉर कि कब होगा कब होगा कब होगा कुछ कुछ भी नहीं पता हमें तो दिस आई कैन अंडरस्टैंड कि डेफिनेटली योर ईगरनेस विल बी देयर कि फॉर्म कब रिलीज़ होगा बट नोबडी कैन डू एनी थिंग बिकॉज सिचुएशन ऐसा है कि हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अभी एंड बेटर कि प्रिडिक्ट नहीं करें बल्कि यू शुड यूटिलाइज़ योर टाइम मोर ऑफ आप अपना पढ़ाई में ध्यान रखाइए इन सारी चीजों को मत देखिए कि एग्जाम कब होगा जब भी होगा यू विल डेफिनेटली नो एंड यू विल फिल द फॉर्म ठीक है यस यस बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन यू विल डिसाइड कि आपका प्रिपरेशन का भी क्या लेवल है एंड आप किस स्टेज में अभी हो आपको अभी पीवाई क्यूज करना है या अभी आपको रिकॉल करना है तो डेफिनेटली आपने जो भी स्ट्रैटी बनाया था उसी स्ट्रैटर्जी के बेसिस पे जाइए कभी भी अपने स्ट्रैटर्जी से इधर उधर भटकना नहीं है ठीक है तो कीप योर प्रिपरेशन ऑन एंड डेफिनेटली आएगा एग्जाम का डेट जल्दी ठीक है ओके चलिए सो so, जैसे मैंने बोला अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर प्लस कोर्सेज होते विच इज पेड सेशन तो टू अटेंड दीज हाँ तो हाँ सब्सक्रिप्शन ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म तो आप सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर ये क्लासेज आप अटेंड करना चाहते हैं अभी प्लस प्लेटफॉर्म में, में मेरे जो कोर्सेज चल रहे हैं वो एक यूनिट फोर का कोर्स है जो कि टेन थर्टी इन द मॉर्निंग चलता है और ट्वेल्व थर्टी आफ्टरनून में मेरा एक दूसरा कोर्स चलता है जिसमें हम मॉड्यूल नंबर थर्टीन मैथर्ड इन बायोलॉजी कर रहे हैं तो दीज द टू यूनिट्स जो अभी प्लेटफॉर्म पर मेरे कोर्सेज में चल रहा है अगर आप प्लस में नहीं हैं तो आप प्लस में ज्वाइन कर सकते हैं यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड के ए टन लाइव टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट आप ये यूज़ करिए और डिस्काउंट पा सकते हैं दस परसेंट का आप अन अकेडमी प्लस में नहीं है और आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं अदरवाइज अगर आप ऑलरेडी प्लस में हैं, तो मेरे क्लासेस अटेंड कर सकते हैं इन दीज टू टाइमिंग अपकमिंग प्लस कोर्सेज में एक तो फंडामेंटल प्रोसेसेस है यूनिट थ्री का कोर्स है जो आने वाला है और यूनिट वन का भी एक कोर्स है जो डेफिनेटली uh, आएगा जल्दी आएगा सो so वो भी आपको विजिबल हो जाएगा प्लेटफॉर्म में अभी विजिबल नहीं है बट यूनिट वन एंड यूनिट थ्री आर दी अपकमिंग प्लस कोर्सेज जो आपको जल्दी देखेगा थैंक यू थैंक यू सो मच ओके ना हो अन अकेडमी में जितने भी प्लस कोर्सेज होते हैं ना बहुत सारे एजुकेटर है तो बहुत बार क्या होता है कि लर्नर्स आते हैं एंड दे गेट कंफ्यूज इतने सारे क्लासेस हो रहे हैं कौन सा करे क्लाशेज हो रहे हैं क्लासेस के टाइमिंग में तो आपके सुविधा के लिए यहाँ पे बैचेस बनाए गए हैं एजुकेटर्स को बंडल कर दिया गया है बैचेस के फॉर्म में सो दैट यू कैन लाइक एनरोल टू एनी वन और टू ऑफ द बैच एंड यू कैन फॉलो देम बिकॉज उस बैच में जो भी एजुकेटर होंगे उनके टाइम क्लैश नहीं करेंगे उनके यूनिट्स क्लैश नहीं करेंगे सो यू कैन एनरोल टू एनी ऑफ द बैच एंड यू

फिलहाल थ्री मंथ सब्सक्रिप्शन पे प्राइज हाइक अलर्ट है सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू ज्वाइन प्लस और आप चाह रहे हो कि थ्री मंथ्स के लिए सब्सक्राइब कर लेते हैं सो दैट आपका रिवीजन प्रैक्टिस हो जाएगा तो दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन बिकॉज अभी प्राइज हाइक होने वाला है सो so आप इस ज्वाइन uh, कर सकते हैं यू कैन यूज रेफरल कोड टू गेट डिस्काउंट ऑफ टेन ठीक है के ए टेन लाइव इज माई रेफरल कोड एंड अगर आप सच में आना चाहते प्लस में तो इससे बेटर ऑप्शन आपको मौका नहीं मिलेगा बिकॉज अभी टिल सेवनटीन एक स्पेशल प्राइज वीक चल रहा है स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें कि आपको टेन परसेंट तो आप रेफरल कोड यूज़ करके डिस्काउंट आपको मिलेगा ही उसके अलावा आप फिफ्टीन परसेंट और सेव कर सकते हैं ठीक है तो यू कैन गेट योर प्लस सब्सक्रिप्शन फिफ्टीन परसेंट प्लस टेन परसेंट डिस्काउंट पे तो दिस इज ओनली वैलिड फॉर दिस विवेंटी सेप्टेम्बर तक ही ये सिर्फ वैलिड है ये वाला ऑफर तो अगर आप चाहते हैं आना तो आप आ सकते हैं एंड दैट इज ऑन सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ एंड ट्वेंटी फोर मंथ ओनली आपको थ्री मंथ वन मंथ सब्सक्रिप्शन पे ये बेनिफिट नहीं है छे बारह और चौबीस महीने के लिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं जो सेवनटीन तक आपके पास अवेलेबल है सो यू कैन यूज केट एंड लाइव टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट यू विल बी गेटिंग ओके सो आप ये कर सकते हैं नाउ uh, आप चाहो तो आइकॉनिक में भी ज्वाइन कर सकते हैं विच इज अ प्रीमियम वर्जन ऑफ प्लस वेयर यू विल बी गेटिंग सम ऑफ द एडिशनल बेनिफिट्स जो प्लस में नहीं मिलते हैं प्लस में जो मिलता है वो तो आइकॉनिक में मिलता ही उसके अलावा आइकॉनिक में आपको पर्सनल अटेंशन ज्यादा दिया जाएगा बिकॉज पर्सनल कोचेज आपको मिलते हैं पर्सनलाइ डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे मटीरियल आपको मिल जाएगा हार्ड कॉपी के फॉर्म में इंटरव्यूज के लिए तैयारी किया जाएगा सो ऑल दीज आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक तो यू कैन प्लान योर सब्सक्रिप्शन प्लस और आइकॉनिक एंड देन यू कैन सब्सक्राइब आइकॉनिक करिए आप सब्सक्राइब करिए या प्लस में करिए यू कैन यूज रेफरल कोड टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट फॉर बोथ आइकॉनिक में भी आपको मिलेगा प्लस में भी मिलेगा सो के ए टेन लाइव यू कैन यूज दिस कोड टू गेट डिस्काउंट दिस इज द करेंट प्राइस फॉर दी एस ए प्लस सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज दिस यू कैन सी दिस एंड यू कैन यूज दिस कोड टू सब्सक्राइब अगर आप प्लस में आना चाहते हैं तो ठीक है एन आइकॉनिक सब्सक्राइबर को अब एस एस मिलने लग गया है जितने भी एसओपी प्रोग्राम वगैरह हो रहे हैं लाइक रिसर्च मेथोडोलॉजीज के बारे में सिनॉपसिस राइटिंग के बारे में आपको बताया जाता है कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट वगैरह बताया जाता है ठीक है तो ये सारे कुछ आपको मिलेंगे उसके अलावा आपको पेपर राइटिंग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टाइप्स सब सब आपको बताया जाएगा आइकॉनिक में जो है तो ये सारे आइकॉनिक वाले को बेनिफिट मिलने वाला ठीक है ठीके? ओके okay. नाउ uh, जैसे आप सबको पता है कि अनेक अडमी प्लेटफॉर्म पर स्पेशल क्लासेस होते हैं विच इज़ फ्री सेशन तो जो लोग पहले फ्री सेशन अटेंड करना चाहते द आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन प्लस बट दे वांट टू अंडरस्टैंड कि प्लस में क्या होने वाला है आप फ्री सेशन ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशल क्लासेस के फॉर्म में अवेलेबल रहता है बहुत सारे फ्री सेशन आपको मिल जाएंगे तो आप अनक एडमी प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं यू कैन इंस्टॉल द ऐप यू कैन साइन अप अनक एडमी ऐप एंड देन यू कैन सी द मेनी स्पेशल क्लासेज आप मेरे कोड को यूज करिए केट एंड लाइव आप मेरे प्रोफेट

के आंसर्स के बारे में हम लोग पोल जनरेट कर सकते हैं आपको नोट्स मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में आप कभी भी उसको कहीं पे भी देख सकते हैं तो ये सारे आपको बेनिफिट फॉर गेट टू ज्वाइन माई स्पेशल क्लास जो कल होने वाला है चार बजे दैट इज ह्यूमन सेंस ऑर्गन जिसमें हम लोग नोज के ऊपर फोकस करेंगे ठीक है ह्यूमन सेंस ऑर्गन में हम लोग डी स्पेशल क्लासेस में कल वाले क्लास में जो कल चार बजे होगा उसमें हम टंग एंड नोज के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले ओके सो दिस इज द अपकमिंग स्पेशल क्लास जो कल होगा शाम में चार बजे यू कैन ज्वाइन दिस आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में यू यू कैन कैन गो एंड दिस सेशन ठीक है आप देख सकते हैं उसके अलावा मेरे प्रोफाइल में आपको बहुत सारे रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे जिसको आप कभी भी देख सकते हैं इसके लिए कोई आपको सब ठीक है आप मेरे प्रोफाइल में जाएंगे यू कैन गेट ऑल दीज कोर्सेज पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ओके नाउ यूट्यूब सेशन फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर आई एल टेकिंग फाइव यूट्यूब सेशन एवरी थर्सडे थ्री थर्टी आई एल बी कमिंग लाइव सेशन नेक्स्ट थर्सडे अगेन प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करने वाले सो दिस इज दॉपिक फॉर आपका यूट्यूब सेशन फॉर दिस मंथ ओके सो नेक्स्ट थर्सडे अगेन थ्री थर्टी पे लाइव आएंगे उसके अलावा वन मिनट कॉन्सेप्ट मेरा यूट्यूब पे जो डेली आप देख सकते हैं एवरी डे आई एम पुटिंग वीडियो जिसमें आप रिविजन के लिए जिसको यूज कर सकते हैं विच विल बी बेस्ट सो ओके चलिए हम लोग आज का सेशन अब शुरू करते हैं दैट इज वेल वल डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस सो बेसिकली हमें सबसे पहले समझना होगा ये सी एलिगेंस के बारे में हम पहले थोड़ा सी एलिगेंस के बारे में जानेंगे फिर थोड़ा वल्व क्या होता है उसके बारे में जानेंगे एंड देन हम लोग प्रोसेस में आएंगे कि हाउ दिस द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ओके एलिगेंस so, जो होते हैं ना वो फ्री लिविंग होते हैं फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैटेगरी के अंदर आते हैं साथ ही साथ में वो निमेटोड को बिलोंग करते हैं अब अगर मैं निमेटोड बोल रही हूँ तो आपको इमीडिएटली रिकॉल हो जाना चाहिए कि एक निमाटोड का क्या क्या फीचर्स होता है तो दैट मीन्स इफ सी एलिगेंस इज अ निटोड

ओके okay, हिमाद्री लास्ट में मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन को आंसर करूंगी हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं आई डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आपको कैसे करना चाहिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी की तैयारी ओके ओके चलिए सो ये तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया सी एलिगेंस का उसके अलावा एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी सी एलिगेंस का होता है वो है ट्रांसपेरेंट दिस द बॉडी ऑफ द सी एलिगेंस वो ट्रांसपेरेंट होता है हम जब भी किसी सब्जेक्ट ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करते हैं किसी डेवलपमेंटल प्रोसेस आप देखिए जितने भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी आप पढ़ते हैं हम किसी सब्जेक्ट ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करते हैं डेवलपमेंटल स्टडीज के लिए करेक्ट हम कोई भी डेवलपमेंटल स्टडी करना चाहते हैं तो हम एक सब्जेक्ट ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट करते हैं एंड देन हम करते हैं तो सब्जेक्ट ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करने का क्या क्या होना चाहिए मोटिव वाई वी यूज सब्जेक्ट ऑर्गेनिज्म और सब्जेक्ट ऑर्गेनिज्म कैसा होना चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जो भी सब्जेक्ट और प्रोसेस को स्टडी करने के लिए सिलेक्ट कर रहे हो शुड बी इजीली डिटेक्टेबल मतलब आप आप इजीली जो भी एनालिसिस uh, करना चाह रहे हो इजी होगा तभी आपका प्रोसेस अच्छा होगा गुड इवनिंग परवीन ओके सो ये बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है आपने कभी अगर फोटो देखा है तो उसका बॉडी ट्रांसपेरेंट होता है और अगर उसका बॉडी ट्रांसपेरेंट है तो ये हमें बेनिफिट प्रोवाइड करता है जो वल्वा का डेवलपमेंट होता है ना वर्शन का जो

ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फीमेल्स एलिगेंस नहीं प्रेजेंट होते हैं या तो वो मेल बनेंगे और अगर मेल नहीं बन रहेंगे तो वो हमाफ्रोडाइट हो जाएंगे तो मेल जो होगा मेल में फीमेल uh, डेवलपमेंट uh, भी शुरू हो जाएगा फीमेल सेक्सुअल जाएगा और वो हमाफ्रोडाइट में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है हमाफ्रोडाइट अगर आपको नहीं पता तो हमाफ्रोडाइट मतलब कि जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होता है उसे हम लोग हमाफ्रोडाइट बोलते हैं तो मेल ही हमाफ्रोच मेल बन के रह जाते हैं और कुछ मेल में फीमेल डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है एंड दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हमाफ्रोडाइट एनिमल ठीक है हमाफ्रोडाइट ये so, अफ्रोडाइड yeah, होते हैं और साथ ही साथ में इनका जो डेवलपमेंट होता है वो चार लार्वल स्टेज के थ्रू होता है L1, L2, L3 एंड L4 हम ऐसे करके चार लार्वल स्टेज में इनको बताते हैं कि इनका जो डेवलपमेंट है फोर लार्वल स्टेजेस के थ्रू होता है ठीक है सो दीज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सी एलिगेंस नाउ अस अंडरस्टैंड कि ये सी एलिगेंस का इंपॉर्टेंस क्या बिकॉज हमने ये सी एलिगेंस को चुना वल्वा फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए डेवलपमेंटल प्रोसेस को स्टडी करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ना इसको यूज करने के ऐवे ही तो हम नहीं कुछ यूज करते हैं कुछ तो डेफिनेटली सी एलिगेंस हमें सुविधा प्रोवाइड कर रहा होगा दैट इज वाई वी अट्रैक्टेड चलो भाई सी एलिगेंस को यूज करें ठीक है उससे दोस्ती यादि तो नहीं बना के रखे ना कि चलो हम लोग उसको यूज करेंगे बेनिफिट होगा हमें कुछ क्या क्या बेनिफिट है उनको ग्रो करना लैब में एक इजी प्रोसेस है ठीक है इजी टू ग्रो इन लैब ऑब्वियसली हम अपना जो भी मैकेनिज्म करते हैं ना हम दो तीन चीजों पे एक कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और एक प्रोसेस इजी हम बहुत लेजी आदमी है ह्यूमंस लेजी है वो कभी भी ऐसा मेहनत वाला काम नहीं ज्यादा करना चाहेंगे हम थोड़ा इजी वे में जाना चाहते हैं तो जो इजी है उसको सिलेक्ट करेंगे और जो थोड़ा कम पैसे लगेंगे हम लोग कंजूस भी तो होते ही है ना तो कम पैसे वाला काम और जल्दी करने वाला काम को हम ज्यादा सिलेक्ट करते हैं प्रेफर करते हैं ठीक है अब जहां नहीं होगा वहां तो खर्चा करना पड़ेगा ना बॉस कहाँ से होगा तो यहाँ पे भी हम सी एलिगेंस को जो चूज कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है कि वो जल्दी ग्रो कर जाता है तो यू डोंट हैव टू तो सिट एंड वेट कि कब ग्रो करेगा कब ग्रो करेगा कब ग्रो करेगा कब हमें एक्सपेरिमेंट होगा इजिली ग्रो हो जाते हैं लैब में आराम से ग्रो कर सकते हैं शॉर्ट जनरेशन टाइम है इसका मतलब है कि उनका ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे जेनरेशन होते हैं सालों साल बाद एक दूसरा जनरेशन आएगा उसके साल कुछ साल के बाद तीसरा जनरेशन इनका ऐसा नहीं है इनका जनरेशन टाइम शॉर्टर होता है तो वी कैन डू द स्टडी स्टडीज ईजी हो जाता है उसके बाद थर्ड में अभी बताया ट्रांसपेरेंट बॉडी होता है तो डेफिनेटली वो बेनिफिट फिर जिनोम साइज भी उनका छोटा होता है लगभग नाइन्टी सेवन साइज होता है अब जिनॉम साइज से क्या मतलब है अब जिसका जितना छोटा जिनोम उतना कम कॉम्प्लेक्स और कम कॉम्प्लेक्स तो हैंडलिंग इशू फिर से कम हो जाएगा इजी टू हैंडल हो गया ना फिर हम इजी की तरफ जा रहे हैं देखिए हम बड़ा इजी है है ना तो फिर वो कम कॉम्प्लेक्स है तो उसका हैंडल करना हमारे लिए आसान है ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लेंगे तो हम डिफिकल्टी और तो ये कम कॉम्प्लेक्स है और डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है ना वो इन होता है इसका क्या मतलब हुआ कि जो डेवलपमेंट है वल्वा का फॉर्मेशन वो इन वेरियंट वो ऐसा नहीं है कि हर सी लेकिन अभी कुछ अलग प्रोसेस से वलवा बना रहा है तो थोड़ी देर के बाद वो दूसरा प्रोसेस से वल्वा बनाएगा फिर थोड़ी देर के बाद कोई तीसरा प्रोसेस से वल्वा बनाएगा सो आर वेरिंग दे सो इन वेरियंट वेन एवर वी आर स्टडिंग और डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट वो रीप होना चाहिए देन ओनली दैट एक्सपेरिमेंट हैज सम वैल्यू अदरवाइज आपका एक्सपेरिमेंट का कोई वैल्यू नहीं आपने बना बहुत अच्छा एक, एक एक्सपेरिमेंट किया उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है लेकिन दोबारा वो हो ही नहीं सकता है तो क्या काम का ह्यूमन यूज का नहीं है तो हमारे यूज का नहीं है नहीं देंगे वैल्यू ठीक है तो इट शुड बी ऑलवेज रिप्रोड्यूसिबल तो ये डेवलपमेंट प्रोसेस जो था ना वो फिक्स था वेरिएंट नहीं था वो वेरी नहीं कर रहा था बार भाई वो इनवेरिएंट था दैट इज वाई इसको हमने सिलेक्ट किया ठीक है सो द इंपॉर्टेंस चलिए अब हम लोग वलवा दे क्या है देख लेते हैं वलवा जो होता है ना वो एंडोडर्मल ऑर्गन है जो एंडोडर्मल ओरिजिन होता है और एक बस ये साइड में इधर से एक लाइन करके क्वेश्चन आता हा है हाइपोडर्मल एंडोडर्मल वाला तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट है ना कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन में डाल देता है तो आपको थोड़ा सा क्लिक करना चाहिए कि हम एंडोडर्मल पढ़े थे या हाइपोडर्मल पढ़े थे इसको थोड़ा सा आप को ध्यान में रखना होगा ठीक है तो एंडोडर्मल ऑर्गन होता है ये डेवलप्स पोस्ट इम्ब्रियोनिकली मतलब ये इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद होता है मैंने अभी जिस बोला ना पहले मेल बन जाता है मेल डिसाइड करता है कि मुझे मेल नहीं रहना है तब फीमेल डेवलपमेंट शुरू होता है मतलब इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तो खत्म हो गया ना फिर वल्वा बनता है और वो हमोफ्लोडाइट में कन्वर्ट हो जाता है सो पोस्ट इम्ब्रियनिकली बिकॉज वलवा इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन ठीक है तो पोस्ट इम्ब्रियोनिकली डेवलपमेंट हो रहा है थर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग दिस इज अ ऑर्गन विच इज हेल्पिंग इन दी सेक्शुअल मीटिंग बिटवीन मेल एंड हारोडक्ट उसमें मीटिंग में मदद करने वाला ऑर्गन है कॉन्टेक्ट करवाने में मदद करने वाला ऑर्गन है वल्वा ओके एंड दिल्ट वल्वा कंसिस्ट ऑफ ट्वेंटी टू सेल ये जो वल्वा है वो बाईस सेल से बना हुआ सेल होता है ये बेसिकली एक बन गया मेल बनने के बाद अगर मेल ने डिसाइड किया वल्वा नहीं बनना है तो वो मेल ही रह जाएगा ठीक है पर मेल ने डिसाइड किया कि उसमें वल्वा फॉर्मेशन होना है तो वल्वा डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा और वो हामाफ्रोडाइट में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है दिस हामाफ्रोडाइट इज हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन पेनिस भी है वल्वा भी है इसमें ठीक है एंड ये ऑब्वियसली इम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट के बाद हो रहा है पोस्ट इम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट में हो रहा है जनरली वल्वर डेवलपमेंट जो देखा जाता है वो एल थ्री स्टेज एल वन एल टू एल थ्री एल फोर हम बता रहे थे ना तो एल थ्री स्टेज में जनरली वल्वा का एक्चुअल डेवलपमेंट शुरू होता हुआ देखा गया बट प्रोसेस एल वन से शुरू हो गया ऐसा नहीं कि एल थ्री में जाकर ट्रिगर हुआ एल वन से ही काम चालू है एल थ्री में जाकर के वल्वा फॉर्मेशन ट्रिगर हो रहा है एग्जैक्ट ठीक है तो हम देखेंगे कैसे कैसे होता है वी विल सी द स्टेप्स ठीक है वॉट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन वल्वर डेवलपमेंट हम वल्वर डेवलपमेंट के स्टेप को पांच में स्टेप्स में डिवाइड करते हैं ठीक है पांच स्टेप्स में डिवाइड करते हैं पहला स्टेप जो है वो जेनरेशन ऑफ वल्वल प्रिकर्सर सेल वीपीसी वलवा प्रिकर्सर सेल्स का जनरेशन तो मतलब कि सबसे पहला काम क्या है वो सेल को बनाना जिस सेल से वल्वा प्रिकर्सर सेल बनेगा ठीक है तो सबसे पहला क्या करना है VPC का सिंथेसिस जेनरेशन करवाना उसके बाद ये VPC से वल्वा का प्रिकर्सर डेवलपमेंट स्टार्ट करवाना फिर एडल्ट सेल में जनरेट करना कन्वर्ट करना फिर एंकर सेल का इन्वेशन होना एंड देन फाइनल मॉर्फोलॉजी ऑफ वल्वा डेवलपमेंट हो जाना तो दिस इज द फाइव स्टेप हम एक एक करके हर एक स्टेप देखेंगे बट हम इन फाइव स्टेप्स में वल्वा का डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे ओके okay? चलिए देखते हैं एक एक करके हम लोग स्टेप्स देखते हैं ओके okay. ऑडिबल आवाज आ रही है ना ऑडियो वीडियो इज प्रॉपर नो इज इट बफरिंग क्या हुआ नेटवर्क इशू ओके नो आवाज आ रही है यस ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हम्म ओके okay, चलिए तो हम लोग एक एक करके स्टेप अभी देखते हैं सबसे पहला स्टेप हम लोग ने क्या बोला कि जनरेशन होगा वल्वल प्रिकर्सल सेल का वीपीसी का जनरेशन होगा सबसे पहले तो ये हमारा ना एलवन एल टू लावल स्टेज में शुरू हो जाता है इनिशियल स्टेज से शुरू हो जाता है वल -वल सेल का फॉर्मेशन का तो ये एलवन स्टेज में सबसे पहले क्या होता है कि वल्वल प्रिकर्स सेल बनाने वाले सेल सबसे पहले यहाँ पर बनना शुरू होते हैं एलवन में और ये टोटल इलेवन नंबर में प्रेजेंट होते हैं द लीनियज फ्रॉम विच दीज सेल्स आर डेवलपिज पी एन पी सेल लीनियज पी एन पी सेल लीनियज से इलेवन पी एन पी सेल्स जो हैं वो काम करना शुरू करेंगे और वलवल प्रिकर्सर सेल बन जाएंगे ठीक है वल्वल प्रिकर्सर सेल्स ऑफ द सेल जिनसे वल्वा का डेवलपमेंट होना है ठीक है तो सबसे पहले तो इनको बनाना होगा वल्वा बनाने वाले सेल को बनाने का काम तो ये एलेवन में ही हो जा रहा है ओके एलेवन में ही इलेवन पी एन पी सेल्स को रिक्रूट किया जा रहा है कि भैया तेरा काम है कि तुमको वल्वा बनाना है तुम इलेवन लोग यहाँ पे रुको और तुम में से ही इलेवन लोग में से ही तुम लोगों को ही मिलकर के वल्वा का फॉर्मेशन करना होगा तो एलेवन में ये ग्यारह पी एन पी सेल्स का निर्माण किया गया फॉर्मेशन किया गया उसके बाद एल स्टेज में क्या होता है ये जो पी से ये जो पी एन पी वल्वल प्रिकर सेल ग्यारह जो बने पी में इन ग्यारह में से छह को सिलेक्ट किया जाएगा और छह को बोला जाएगा तुम दारमदार संभालोगे वल्वा बनने के प्रोसेस को मतलब ग्यारह सेल्स हैं पर पूरे के पूरे ग्यारह सेल इन्वॉल्व नहीं होंगे वल्वा बनाने में ऑल दीज इलेवन सेल आर द इक्विवेलेंट ग्रुप ऑफ सेल मतलब हर एक ग्यारह सेल जो है सिमिलर काइंड ऑफ सेल है जिनके पास सिमिलर टेंडेंसी है सिमिलर रिसेप्टर्स है और उनका फेट सिमिलर हो सकता है अगर सिमिलर सिग्नलिंग मिले तो इसीलिए हम उन, उन ग्यारह ग्रुप ऑफ सेल्स को इक्विवेलेंट ग्रुप ऑफ सेल कहते हैं बट ये ग्यारह में से एक्चुअली में ओनली सिक्स दे आर गिवन सिग्नल कि तुम छ जो है वो फाइनली वाल्वा बनाओ बाकी के लोगों को बोला जाता है वो होल्ड पे रहो तुम जरूरत पड़ेगा तो बोला जाएगा अभी नहीं ठीक है तो ये पी थ्री पी से लेकर के पी एट पी वाले सेल को यहां तक के छह सेल को बोला गया कि चलो आप पी एन पी वल्वास सेल का रोल निभाओ और आप ही से वल्वा बनना शुरू होगा ठीक है अब ऑब्वियसली ये पी थ्री पी से पी एट पी का बात हम कर रहे हैं इसको कौन सिलेक्ट किया कैसे सिलेक्ट हुआ हम अपने मन से सिलेक्ट कर देंगे ऐसा तो नहीं होगा तो ये क्या होता है हमारे बॉडी में आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ा होगा बेसिक्स में कि हमारा बॉडी में जो भी डेवलपमेंट होता है या किसी भी इंडिविजुअल के बॉडी में किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी का बात अगर करिए तो हर एक ऑर्गन डेवलपमेंट जो भी होता है टिश्यू फॉर्मेशन जो भी होता है वो सब कुछ सिग्नल के कारण होते हैं वो सब कुछ एक, एक हमारा बॉस बैठा हुआ है जो गवर्न करता है एंड दैट इज नोन एज हॉक्स जीन ये हॉक्स जीन को आप बॉस्ट ऑफ दी बॉडी बोल सकते हैं बिकॉज ये हॉक्स जीन का काम क्या होता है जैसे घर में एक 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 लोग हो इंसान होता है ना जो सबको बताता है कि तुम्हें क्या करना तुम्हें क्या करना तुम्हें क्या वो काम नहीं करेगा उसका काम यही है टू तो डिसाइड कि किसका क्या फेट होने वाला है किसका क्या आइडेंटिटी होने वाला है किसको कैसा काम करना है तो ये हॉक्स जीन बेसिकली वही बुजुर्ग है अब ये इनके बॉडी का सी एलिगेंस का ये हॉक्स जीन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है तो ये हॉक्स जीन बेसिकली बॉस ऑफ द बॉडी है जिसका काम है टू स्पेसिफाई द फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन और उनको फेट दे देना उनको डिटरमाइन कर देना कि देख लो तुम कसम खाओ तुम यही बनोगे तो हॉक्स जीन जो है ये हॉक्स जीन जो है प्रोटीन बनाएगा सिग्नल रिलीज करेगा और ये सिग्नल रिलीज करके वो छह सेल आउट ऑफ इलेवन वलविक सेल उन सेल को सिग्नल देगा और बोलेगा तुम बनोगे वल्वा ठीक है बाकी के लोगों को होल्ड पे छोड़ देगा दिस एक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्पेसिफिकेशन दट पी थ्री पी से पी एट पी कुछ चुना गया और ये किसके मदद से करता है डेफिनेटली कुछ सिग्नल जनरेट करता होगा सो लाइन थर्टी नाइन प्रोटीन वो सिक्रीट करता है ये लाइन थर्टी नाइन इज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो गवर्न करेगा फ्रॉम पी थ्री पी टू पी एट पी की भाई आपको बनना है सारे वल्व सेल में लाइन 39 का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है टू परसीव द सिग्नल लाइन 39 रिसेप्टर्स ऑफ पी थ्री पी फोर पी फाइव पी सिक्स पी एन सेवन पी एन एट पी के पास जो रिसेप्टर है उनमें ये बाइंड करेगा और उनको स्पेसिफिकेशन दे देगा उनको फेट दे देगा कि तेरे को ये बनना है ठीक है इतना काम हो गया उसके बाद हम लोग आते हैं एक एंकर सेल आपको यहाँ डायग्राम में एक एंकर सेल दिख रहा है ये एंकर सेल क्या है ये एंकर सेल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है वल्वा का फॉर्मेशन के प्रोसेस में अगर ये एंकर सेल नहीं प्रेजेंट होगा तो वल्वा बनेगा ही नहीं भले सब कुछ हो वल्वा प्रिकर्सर सेल भी हो हॉक जीन में इफ एवरीथिंग इज देयर बट देन आल्सो वल्वा फॉर्मेशन फेल हो जाएगा अगर ये एंकर सेल नहीं है तो क्योंकि एंकर सेल बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है ठीक है क्या काम करता है हम लोग देखते हैं सो इम्पोर्टेंट एंकर सेल इम्पोर्टेंस इज दैट कि हम बोल रहे वल्वा है क्या सबसे पहले तो सो so, वल्वा इज बेसिकली कोपुलेटरी ऑर्गन आप बोल सकते जिसके थ्रू मेटिंग होता है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मेटिंग साइट इज वल्वा वल्वा इज फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड पेनिस इज मेल सेक्स ऑर्गन तो ये वल्वा के थ्रू ये वल्वा बेसिकली इज अ चैनल विच प्रोवाइड अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और अ चैनल जो यूटरस से आउटसाइड का कनेक्शन करवाता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी का कनेक्शन करवाता है ठीक है यूटरस से आउटसाइड ऑफ द बॉर्म बॉडी का कनेक्शन करवाने वाला जो ट्यूब है वो बना रहा है बेसिकली ये वल्व तो अगर एंकर सेल नहीं रहेगा ना तो वल्वा क्या है वल्वा इज जस्ट अ मास ऑफ सेल वलवा क्या है जस्ट अ मास ऑफ सेल एंकर सेल बेसिकली क्या करता है एंकर सेल इनसाइड आउट इना इनवेजिनेट करता है इनवेजिनेट करता है और एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है मतलब ऐसा समझ लीजिए ये सेल्स यहाँ पे मास ऑफ सेल है और ऊपर में एंकर सेल है तो एंकर सेल इन्वेजिनेट करेगा इनवेजिनेट करेगा और इस तरह से ट्यूब बन जाएगा ट्यूब बन गया यहाँ पे ऐसे सेल थे सिर्फ मास ऑफ सेल कोई ट्यूब नहीं था कुछ कनेक्शन नहीं था ये इधर है इधर आउटसाइड ऑफ द इनवायरमेंट है ठीक है इस साइड है इस साइड आउटसाइड ऑफ द इन्वायरमेंट है ये anchors, ये हमारा वल्वा का सेल है बाई सेल है ऊपर में एंकर सेल है तो एंकर सेल इनवेजिनेट करना शुरू करता है इनवेजिनेट करना शुरू करता है इनवेजिनेट करना शुरू करता है और इस तरह से ट्यूब का फॉर्मेशन कर देता है अब ये ट्यूब बन गया ना अब ये जो ट्यूब बना ये ट्यूब आउटसाइड और यूटेरस को कनेक्ट कर पा रहा है तो so, इस तरह का एंकर सेल काम करता है तो इमेजिन करिए अगर एंकर सेल नहीं रहेगा तो मास बस रहेगा कोई ट्यूब नहीं रहेगा कोई पैस, पैसेज नहीं रहेगा आउटसाइड और यूटरिस के बीच में ठीक है तो एंकर सेल नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा साथ ही साथ में एंकर सेल एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है यह एंकर सेल इंडक्टिव सिग्नल बनाता है हॉक्स जीन ने तो सिग्नल बनाया जस्ट टू तो स्पेसिफाई पी एन पी, पी कौन सा वल्वा बनाने में काम करेगा वो तो कर दिया उसने उसके बाद इनको सिग्नल चाहिए होता है कि किसको कैसा काम करना है जो करता है एसेसरी सिग्नल वो एंकर सेल का काम होता है जनरेट करने का तो दिस एंकर सेल्स प्रोवाइड एसेसरी सिग्नल्स ओके इंडक्टिव सिग्नल्स बिना इस इंडक्टिव सिग्नल के एंकर सिग्नल के बिना एंकर सेल के बिना इंडक्टिव सिग्नल के वल्वा फॉर्मेशन नहीं हो सकता और क्या रिलीज करता है वो लाइन थ्री प्रोटीन रिलीज करता है हम देखेंगे कैसे बाइन करेगा ठीक है सो एंकर सेल का इंपॉर्टेंट समझ में आ गया दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंकर सेल एक तो इंडक्टिव सिग्नल प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रिगरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ट्वेंटी सेल्स और दूसरा वो पैसवे पैसेज प्रोवाइड करता है पासवे प्रोवाइड करता है ट्यूब बनाता है विच बिल्ड अ कनेक्शन बिटवीन एंड आउटसाइड द आउटसाइड ऑफ द बॉडी वार्म बॉडी सो दैट इट बिल्ड अ कनेक्टिव रूट थ्रू विच मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन कैन मेट फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टू टेक प्लेस ठीक है ये एंकर सेल का काम है अब लाइन थ्री प्रोड्यूस कर रहा है एंकर सेल्स बढ़िया है लाइन थ्री प्रोड्यूस कर रहा है पर ये लाइन थ्री करेगा क्या तो ये लाइन जब एंकर सेल प्रोड्यूस करता है ना आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर पूरा हमारा uh, शुरू कर देता है लाइन थ्री प्रोटीन सिक्रीट करना शुरू कर देता है सिक्रीट करने के बाद ये लाइन थ्री प्रोटीन जितने भी वलवल प्रिकर्सर सेल्स है उनके सर्फेस पे प्रेजेंट रिसेप्टर से जाके बाइंड कर जाता है वो रिसेप्टर को हम बोलते हैं लेट

नाम सुना है पढ़ा है सुना सुना लग रहा है नाम तो सुना होगा है ना ठीक है सुना होगा ना ये सुना है सबने सुना है तो ये आरटी के रिसेप्टर क्या होता है आरटी के रिसेप्टर रिसेप्टर टाइरोसिन काइनेस और टाइरोसिन काइनेस एक्टिवेटेड रिसेप्टर सिस्टम तो ये जो लेट ट्वेंटी थ्री है ना वो के टाइप का रिसेप्टर है ठीक है लेट ट्वेंटी थ्री ना आरटी के टाइप का रिसेप्टर है ठीक है और वो मैप काइनीस पाथवे ट्रिगर कर देता है ठीक है थ्रू मैप काइनेस पाथवे वेन द लाइन थ्री कम्स एंड बाइंडी थ्री लेट ट्वेंटी थ्री एक्टिवेट हो जाता है आरटी के रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है और अभी क्या कर देगा ये ये मैप काइनेस पाथवे को ट्रिगर कर देगा और मैप काइनेस पाथवे ट्रिगर करके सेल्प्रोलिफरेशन करवाने लग जाता है बाईस सेल बनाना है अभी तो हमारे यहां तो छह ही सेल्प लगा है छह सेल को बाईस में कन्वर्ट करना है तो प्रोलिफर करेगा तभी तो वो छह सेल से बाईस होगा ना तो सेल डिवीज़न होगा करेक्ट 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 ठीक है तो वो सब होगा तो वो कराना शुरू कर देता है अब हम लोग इस डायग्राम से और अच्छे से समझ लेंगे दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप जो हमने अभी तक देखा ये पहला स्टेप था पहला स्टेप में हमने क्या क्या देखा वलवल प्रिकर्सर सेल का निर्माण हुआ ठीक है ग्यारह वल्वल प्रिकर्स सेल फॉर्मेशन एल वन में हुआ एल टू में बॉस ऑफ दी बॉडी हॉक्स जीन ने सिग्नल दिया स्पेसिफाई किया कि देखो तुम्हें ग्यारह हो लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना तुम्हें ग्यारह में से छे को मैं सिलेक्ट करता हूं और छे का सिलेक्शन हो गया छे लोग पास हो गए जिनको आगे वल्वा बनने का लाइसेंस मिल गया अब एंकर सेल उन छे में छे को सिग्नल भेजेगा लाइन थ्री के माध्यम से और सिग्नल भेज के वो क्या करने वाला है वल्वल प्रिकर्सर सेल का पैटर्निंग करने वाला है वट डू यू लिटरली मीन बाईज सेल है सब एक जैसा काम नहीं करेंगे दे आर इक्वेलेंट ग्रुप ऑफ सेल डेफिनेटली लेकिन कब इक्वेलेंट काम करेंगे कब सेम काम करेंगे जब सेम सिग्नल मिलेगा तो सेम काम करेंगे बट सिग्नल वेरिएशन होने की वजह से उनका काम भी अलग अलग होगा पैटर्न दिखेगा हमें अलग अलग एक्सप्रेशन दिखेगा ठीक है तो यहाँ हम वही बात करेंगे हमें अलग अलग एक्सप्रेशन दिखना शुरू हो जाएगा सो प्रिकर्सर सेल्स पैटर्निंग होगा और ये कहा होता है एल थ्री में होता है एंड दिस इज द एक्चुअल स्टेप जब हमें दिखता है कि वल्वा बनना शुरू हुआ इसलिए हम बोल रहे हैं वलवा फॉर्मेशन लैट एक्चुअली एल थ्री स्टेज में हमें दिखना शुरू होता है बिकॉज ये एक्चुअल स्टेप ऑफ वल्वा दिखता है हमें ठीक है ओके okay, समझ में आ गया अभी क्या होगा पैटर्निंग जो होता है वो कैसा पैटर्निंग होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी लीनियज में पैटर्निंग होता है कैसे होगा हम लोग देखते हैं सो so, ये देखिए ये रहा हमारा एंकर सेल एंकर सेल ने इंडक्टिव सिग्नल लाइन थ्री रिलीज किया हाँ हाँ करेक्ट 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 ठीक है सिग्नल रिलीज किया सिग्नल रिलीज करने के बाद लेट 23 हर में प्रेजेंट है देखिए सब में प्रेजेंट है ऐसा नहीं कि, कि किसी में है किसी में नहीं सब में प्रेजेंट है लेकिन अभी आप इमेजिन करिए कि आप आप एक आप टैप खोल रहे हो नीचे आपके पास बकेट रखा हुआ है आप टैप खोलोगे बकेट में पानी गिरेगा ठीक है पानी गिरेगा पानी गिरेगा वो बकेट से क्या उछल उछल की कहीं और गिरना शुरू हो जाएगा क्या पानी नहीं ना एक बार जब टैप खोला आपने तो पहले बकेट में पानी गिर रहा है बकेट में गिर रहा है बकेट में गिर, है, बकेट में गिर रहा है जब तक बकेट पूरा ब्रिम तक फुल नहीं होगा जैसे फुल हो जाएगा पानी नीचे गिरने लग जाएगा मतलब साइड में गिरना शुरू हो जाएगा यस फिर वो थोड़ा और साइड जाएगा और दूर जाएगा समझ में मतलब क्या हुआ टैप ओपन हुआ तो पहले टैप के नीचे जो जब एग्जैक्टली exactly जो था वो उसने ज्यादा वाटर रिसीव किया एंड पहले रिसीव किया करेक्ट यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही टैप खुलेगा एंकर एंकर सेल सेल का टैप खुला सेल ने लाइन थ्री रिलीज किया लाइन थ्री रिलीज किया तो जो सबसे नीचे में सेल है विकस सेल एंकर सेल के उसको सबसे ज्यादा लाइन थ्री मिलते गया, मिलते गया, मिलते गया। उसके बाद वो बाहर दूसरे जगह भेजना शुरू किया ठीक है ग्रेडियंट मैनर में इसे हम बोलते हैं तो ज्यादा ग्रेडियंट ऑफ द सिग्नल इंडक्टिव सिग्नल इज बींग सेल विच इज जस्ट बिलो एंकर सेल ठीक है तो लाइन थ्री एंकर सेल के जस्ट नीचे प्रेजेंट है पी सिक्स पी लीनियज ऑफ सेल पी सिक्स पी ने रिसीव uh, किया लाइन थ्री को ज्यादा 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 कुछ लाइन थ्री चले जाएंगे आजू बाजू में दैट इज फाइव पी एंड सेवन पी के पास में ठीक है P6P रिसीव करेगा लेट 23 से बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद आ, आ, आपका एक्टिविटी ऑफ द रिसेप्टर हो जाएगा आपका रैस मैप पैथवे काइनीस वगैरह शुरू हो जाएगा और शुरू होने के बाद क्या होगा इसका प्रोलिफरेशन ट्रिगर हो जाएगा ठीक है अभी क्या होगा प्रोलिफरेशन ट्रिगर हो गया ये और एक क्या काम करेगा जैसे इसमें प्रोलिफरेशन ट्रिगर होगा वो बोलेगा कि मेरे बाजू वाले को क्योंकि कम मिल रहा है तो ऑब्वियसली उसमें एक्सप्रेशन कम होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए एक्सप्रेशन ये पी सिक्स पी रिलीज करना शुरू करेगा लाइन ट्वेल्व को पी सिक्स पी जो सबसे नीचे में जो सबसे ज्यादा रिसीव करे जो सबसे फायदे में है वो लाइन ट्वेल्व रिलीज उसके पास बहुत सारे आ गए तो वो जल्दी जल्दी लाइन ट्वेल्व रिलीज करने लग गया और लाइन ट्वेल्व का रिसेप्टर भी सबके पास प्रेजेंट होता है तो लाइन ट्वेल्व जाएगा और आजू बाजू फाइव और सेवन के रिसेप्टर में बाइंड करेगा जिसको लैटरल सिग्नल बोलते हैं और इसके जाने के बाइंड करने के बाद इसका काम होता है ये लेट 23 रिसेप्टर को इनएक्टिवेट कर देना ठीक है तो इसने रिसीव किया इसने भी रिसीव किया थोड़ा मोड़ा इसने भी थोड़ा मोड़ा रिसीव किया और इसने ज्यादा रिसीव किया ये लाइन ट्वेल्व रिलीज कर रहा और रिसेप्टर को इनएक्टिवेट कर दिया रिसेप्टर इनएक्टिवेट मतलब जितना एक्टिव ये हुआ जितना सिग्नल इसमें काम किया उतना इसमें इसमें काम नहीं किया सो so डेफिनेटली दोनों में सिग्नलिंग वेरिएशन हो गया सो so आपको पैटर्निंग दिखेगा चेंजेस इन एक्सप्रेशन दिखेगा वेरिएशन शो होगा ठीक है सो लाइन थ्री प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन द फेट ऑफ सेल एज इनिशियली दे आर इक्वेलेंस ग्रुप ऑफ सेल बट आफ्टरवर्ड्स बिकॉज द सिग्नलिंग चेंजेज सिग्नलिंग वैरी करने लग जाता है करे वैरी करने लग जाता है जिसके कारण क्या होता है ये पैटर्न अलग अलग शो करने लगता है दे बिहेव लाइक डिफरेंट सेल और बिहेव डिफरेंटली ठीक है उनमें पैटर्निंग होना शुरू होने लग जाएगा सो इंडक्टिव सिग्नल फ्रॉम द एंकर सेल एक्ट वायरलेट एट टू इंड्यूस पी सिक्स पी एस अट्रल सेल क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिसीव कर रहा है सेंटर में है तो उसको हम क्या बोले सेंट्रल वोल्वल सेल

मतलब पैटर्निंग शुरू हो गया वेरिएशन ऑफ एक्सप्रेशन दिखना शुरू हो गया दिस इज वॉट वी सी ठीक है अब क्या होगा पी सिक्स पी जेनरेट सेल जेनरेट लैटरल सिग्नल टू द टू सेल दैट एडज पी एंड सेवन पी अपने आजू बाजू नेबर लोग वो लैटरल सिग्नल रिलीज करेगा ट्वेल्व ठीक है वो ट्वेल्व लेट ट्वेल्व रिलीज करना शुरू करेगा और लैटरल वल्वल सेल फॉर्मेशन फेसिलिटेट करवाना शुरू करेगा बाई इनहिबिटिंग द रिसेप्टर लेट ट्वेंटी थ्री

ये लाइन 22 क्या कर लाइन 12 क्या कर रहा है Phosphatases को एक्टिवेट कर दे रहा Phosphatases जा रहा है है जा वो जो काइनेज काइनीस हो रहा था phosphorylation हो रहा था मैप काइनेज 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 मैप काइनेज काइनेज मैप काइनेज तो ये फॉस्फोराइजेशन के प्रोसेस को जाकर के फॉस्फेट रिमूव डी फॉस्फोराइजेशन करवा देता है रिमूवल ऑफ फॉस्फेट करवा देता है दस इनएक्टिवेशन ऑफ द प्रोसेस हो जाता है एंड देन प्राइमरी फीट वो अटेन नहीं कर पाता एंड इट इज नाउ गोइंग टू अटेन सेकेंडरी फीड

वल्व प्रिकर्स सेल फादर अवे फ्रॉम दी एंकर सेल जो एंकर सेल से और दूर में थे पी थ्री पी फोर पी एट पी जो और दूर में थे लैटरल वाले के बाजू बाजू वाला जो था अब उनको लाइन थ्री मिल ही नहीं रहा है लाइन थ्री या तो बहुत इनसफिशियंट अमाउंट मिलता है या मिलता ही नहीं है अगर रिसीव कर रहे हैं तो भी बहुत इनसफिशियंट होता है तो वो बना देते हैं दे फॉर्म हाईपोडर्मस ठीक है वो हाइपोडर्मिस बना थे जिसे हम टर्शरी बोल रहे हैं तो फाइनली कैसा डेवलपमेंट हुआ पैटर्निंग कैसा हुआ सबसे पहला होता है हमारा P3P फिर होता है हमारा P4P फोर पी देन पी फाइव पी देन पी सिक्स पी देन पी सेवन पी एंड देन पी एट पी यही होता है तो हमारा पी सिक्स पी डेवलपमेंट हुआ प्राइमरी फेट अटेन किया पी फाइव पी एंड सेवन पी सेकेंडरी फेट अटेन किया एंड ये बाकी का जो तीन है वो टर्शरी फेट अटेंड किया तो हो गया टर्शरी टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तो दिस इज द पैटर्निंग ऑफ वल्बर पिकर्स सेल ये पैटर्निंग हमें एल थ्री में देखने को मिलता है लार्वल स्टेज थ्री में हमें ये पैटर्निंग डेवलपमेंट देखने को मिलता है

ट्रिगर करना होगा ठीक है सो द एडल्ट वलवा कंपर ऑफ ट्वेंटी टू सेल्स बाइस सेल का बना हुआ होता है ये वलवा ठीक है ट्वेल्व सेल का मास बाइस सेल का मास होता है ये तो आफ्टर द फेट ऑफ वलवा से सेल डिसाइड हो गया अभी तो फेट हो गया ना किसको टर्सरी बनना है किसको प्राइमरी बनना है किसको सेकेंडरी सबको उनका उनका सिग्नल मिल गया सबको डिटरमाइन हो चुका है फेट डिसाइड हो चुका है कि तुम्हें क्या करना है अब क्या होगा प्राइमरी सेल जो सेंट्रल वाल्व प्रिकर्सर सेल है p6p वो अडॉप्ट करेगा प्राइमरी फेट और वो डिवाइड करना शुरू करेगा और एट न्यू सेल्स में डिवाइड करेगा आठ नया सेल बनाएगा कौन p6p प्राइमरी फेट वाला आठ नया सेल बनाएगा ठीक है उसके बाद लैटरल प्रिकर्सर सेल जो है लैटरल वाल्वल प्रिकर्सर सेल्स जो हैं वो अडॉप्ट करेगा सेकेंडरी फेट uh, और वो डिवाइड करेगा सेवन सेल्स में व्हाट हैपेंड हां में डिवाइड करेगा ओके okay? तो ये सेवन सेल में डिवाइड करेगा और प्राइमरी वाला आठ सेल में डिवाइड करेगा लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्वेंटी टू सेल्स ठीक है ये ट्वेंटी टू सेल्स का फॉर्मेशन करवाता है ठीक है सेवन एट सेवन ट्वेंटी टू सेल्स का फॉर्मेशन करवाता है नाउ कमिंग टू दी Okay, am I audible, guys? Network issue. Action issue. Action issue. Just give me a second. Give me a second. One minute. ओके यस नाउ इट्स फाइन ठीक है तो अब एंकर सेल इनवेट करेगा तो अभी तक क्या हो गया बाई सेल का एक मास बन गया बट अभी भी वल्वा बना है कंप्लीट वल्वा स्ट्रक्चर नहीं बना मतलब मॉर्फोलॉजी डिसाइड नहीं हुआ सेल वगैरह तो हो गए बट जब तक वो सेल एक अपना रूपरेखा नहीं लेता अपना रूप एक्चुअल नहीं लेगा तब तक वो एक्चुअल ऑर्गन नहीं बना, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं बना, तो अभी मॉर्फोलॉजी नहीं हुआ है so, सो इसको अभी मॉर्फोलॉजी अपना डिसाइड करना है मॉर्फोलॉजी डिसाइड करना होगा इसको कि आ, कैसा होना चाहिए वो एग्जैक्टली ठीक है दिखने में कैसा होना चाहिए वो मॉर्फोलॉजी अपना बेसिकली ये अटेन करेगा और इसमें जस्ट अभी हमने शुरुआत में ही देखा कि एंकर सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विदाउट एंकर सेल ये काम नहीं हो सकता एंकर सेल का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज ये एंकर सेल ही है जो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं और जो ट्यूब बनवा रहे हैं जो यूटेरस एंड आउटसाइड ऑफ द वॉर्म बॉडी को इंटरेक्शन देगा और इसको कॉपुलेटरी ऑर्गन में कन्वर्ट कर पाएगा ताकि मेल सेक्स ऑर्गन इस कॉप्य इस फीमेल सेक्स ऑर्गन के साथ इंटरक्ट करके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाए ठीक है ये सब इसमें इसीलिए मदद करता है इस प्रोसेस में ओके okay? ठीक है तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा किस तरह से ये सारे प्रोसेस होते हैं ओके तो क्या होता है ये जो एंकर सेल होता है ये इन शुरू कर रहा था है। जो वाल्वा फॉर्मेशन है यहां पे प्रेजेंट है और ये क्या करता है इन करना शुरू करता है इसको जो मास ऑफ सेल है उसमें इनवेजिनेट करना शुरू करता है इट फॉर्म्स अ होल विच अलाउस टू पास फ्रॉम थ्रू टू द आउटसाइड ऑफ द इन्वॉर्मेंट उसके बाहर रिलीज करने मदद में मदद करता है और एक इनवेजिनेशन होल बना के देता है इनवेजिनेशन होल फॉर्मेशन में मदद करता है ठीक है हाँ करेक्ट करेक्ट ठीक है तो अभी क्या होगा अभी क्या होगा एंकर सेल आया इंडक्टिव सिग्नल आया ग्रेडियंट मैनर में इंडक्टिव सिग्नल रिसीव किया सबसे ज्यादा पी सिक्स पी बन गया प्राइमरी फेट सेकेंडरी फेट सेकेंडरी फेट लैटरल सिग्नल्स मिला और सेकेंडरी फेट बनाया ये प्राइमरी फेट वाला जो है वो डेवलप करेगा आउट डिवाइड करेगा आठ सेल्स में और ये सेवन सेवन सेल में डिवाइड करेगा और बाईस सेल का एक मॉर्फोलॉजिकल एक सेल मास बना के देगा जिसको वल्वल सेल बोल रहे हैं अभी वल्व डेवलपमेंट पूरी तरह हुआ नहीं है और टर्शरी वाले जो है वो हाइपोडमिस बन के रह जाएंगे नाउ व्हाट विल हैपन नाउ व्हाट विल हैपन दिस वल्व जो ये जो एंकर सेल है वो इस वल, वल्वल सेल के अंदर से इनवेजिनेट करके एक ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा जो कि फंक्शन एक कोपोलेटरी ऑर्गन का फॉर्मेशन करवाएगा जिसके थ्रू पेनिस इंटरैक्ट करके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा कर सकता है एंड इवन इट कैन इंटरैक्ट फ्रॉम यूटेरस टू आउटसाइड ऑफ द इनवाइट ठीक है ये पूरा इस तरह से काम करेगा ओके okay, तो ये हो गया ना इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे सो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द इंडक्टिव इन लैटरल सिग्नल्स किए गए थे सबसे पहला है कि अगर मान लीजिए कि एंकर सेल को हम डिस्ट्रॉय कर दे फर्स्ट में ही हमने एंकर सेल के बारे में बात किया उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया और इतना हम लोग को पता चल गया कि एंकर सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बल्वा तो अगर आप एंकर सेल को डिस्ट्रॉय कर दे तो क्या होगा कोई इंडक्टिव सिग्नल नहीं मिलेगा हालांकि वल्वल प्रिकर्स सेल बन जाएंगे 11 वल्वल प्रिकर्स सेल में 6 वल्वर प्रिकर्स सेल को चुना जा चुका होगा क्योंकि वो काम हॉक्सीजिन का होता है एंकर सेल का नहीं होता है लेकिन उन 6 में से कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का फॉर्मेशन करवाएगा उसको कोई इंडक्टिव सिग्नल ही नहीं मिलेगा सो सिंस देर इज नो इंडक्टिव सिग्नल फॉर्म तो कोई वल्वल वल्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा देर नो डेवलपमेंट ऑफ वल्वा एज वलर प्रकर्स सेल विल नॉट फॉर्म वल्वल वल्वर सेल और सबके सब हाइपोडमल टर्शरी फेट ले जाएंगे

लाइन थ्री प्रोटीन एंकर से रिलीज करेगा अब वो सब रिलीज होकर उसके आगे चला जाएगा दैट मीन्स वो रिसीव करने के लिए प्रेजेंट है फोर पी थ्री पी एट पी और उनके पास ये चला जाएगा तो अब अगेन क्या हो जाएगा थ्री फोर एट जिसमें कि फोर फिर से प्राइमरी हो जाएगा थ्री और एट टर्स टेन करने लग जाएगा बिकॉज ये सब इक्वेलेंस ग्रुप ऑफ सेल है सबके सब वल्वा बनाने का टेंडेंसी कैपेसिटी रखते हैं बट सिग्नलिंग वेरिएशन की वजह से सब वल्वा नहीं बना पा रहे ठीक है तो अब क्योंकि सिग्नल उनको वैसा मिल रहा था जैसा सिग्न को मिल रहा था तो दे विल सेम काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट सो लेट ट्वेंटी थ्री ऑन देयर विल एक्सेप्ट द सिग्नल लाइन एंड इज गोइंग टू स्टार्ट डिविजन ऑफ द वल्वा लाइक प्राइमरी एंड द सेकेंडरी फीड जैसे सिक्स सेवन और फाइव कर रहे थे उस तरह से वो इंडक्शन शुरू करेंगे एंड दे विल फॉर्म वल्व तो मतलब अगर प्राइमरी सेकेंडरी वल्ब प्रकोशन को डिस्ट्रॉय भी कर देंगे तो भी वल्वल सेल का फॉर्मेशन होगा कैसे होगा देखिए हम इन तीनों सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे तो जो भी लाइन थ्री आएगा वो सारे के सारे आजू बाजू में चल जाने लग जाएंगे तो फोर पी को सबसे ज्यादा रिसीव होगा सबसे पहले रिसीव होगा तो ये सेंट्रल सेल बन जाएगा 3 और एट को कम रिसीव होगा इसके में और ये लैटरल सिग्नल भी जनरेट करेगा जिसके वजह से ये लैटरल वल्वर सेल बन जाएगा सो दिस इज गोइंग टू अटेन प्राइमरी फेट ये सेकेंडरी फेट और ये भी सेकेंडरी फेट सो so, प्राइमरी वाला आठ सेल में टूटेगा सेकेंडरी वाला सेवन सेवन सेल में टूटेगा और बाइस सेल का वल्वर सेल का फॉर्मेशन हमें दिखेगा सो इवन इफ यूर डिस्ट्रोल

क्वेश्चन क्या है एनसी एलिगेंस ड्यूरिंग एम्ब्रियो एम्ब्रायोजेसिस एंड एंकर सेल एंड सिक्स हाइपोडमल वल्वर सेल्स गेट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिंग दिस व्हिच वी हैव ऑलरेडी सीन इफ थ्री ऑफ द हाइपोडर्मल सेल्स आर किल्ड बाय लेजर बीम अ नॉर्मल वल्वा अल्वाज स्टिल फॉर्म यस करेक्ट दिस कुड बी ड्यू टू द फॉलोइंग पॉसिबल रीजन इसका रीजन मतलब यही एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया क्वेश्चन में और इसी का रीजन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा बताइए आगे का रीजन ठीक है हाई ऑल अबाउट ओके तो इट्स वेरी वेरी आई विल होप योर फादर विल रिकवर सून और बहुत जल्दी से एकदम हेल्दी हो जाए ठीक हो जाए एंड जहाँ तक बात रहा आपके प्रिपरेशन का डोंट टेक टेंशन हैव स्टिल सम टाइम लेफ्ट एंड आप प्रिपेरेशन कर सकते हैं बट हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट मैं अभी वहीं बोलूँगी आप जितना हो सके टाइम अपना इन्वॉल्व करिए तीन घंटे चार घंटे एंड जो भी प्रिडिक्शन हम लोग कर रहे हैं नवंबर एंड का ही हम लोग कर रहे हैं बिकॉज स्टिल अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट uh, नहीं हुआ है ना फॉर्म रिलीज हुआ है एंड एज डी एम ने जो भी इंफॉर्मेशन जो भी रिलीज किया था उसमें उन्होंने बोला था दो महीने पहले वो डेफिनेटली बताएंगे तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो नवंबर से पहले तो होगा नहीं नवंबर एंड या इधर डिसम्बर ऑल्सो वी कैन एक्सपेक्ट तो है अभी आपके पास कुछ समय सो डोंट वरी जितना हो सकेगा करिए गिव योर बेस्ट बट टेक केयर ऑफ योर फादर एंड आप अपना भी हेल्थ का ध्यान रखिए ठीक है एंड डेफिनेटली आप अच्छे से तैयारी करिए ठीक है so सो डोंट वरी जो भी हुआ है और एग्जाम का टेंशन नहीं लेना ओके डोंट वरी ओके रुचि टू दैट इज बी एन सी ठीक है और बाकी आंसर दीजिए ओके okay, जिन्होंने uh, बुक्स का नाम पूछा था ना कि किसी ने पूछा था डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहाँ से पढ़ना है तो बहुत सारे बुक है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक तो गिलबर्ट स्कॉट एफ गिलबर्ट करके एक बुक हो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का आप वो देख सकते हो उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगा इफ़ यू वांट आप उससे देख सकते हो या तो फिर uh, और एक बुक है आप सिंपल अगर बेसिक से पढ़ना चाहते हो आप कोई भी इंडियन ऑथर का बुक भी ले सकते हैं अगर आप बेसिक से थोड़ा करना चाह रहे हैं इफ़ यू इफ़ यू थिंक योर बेसिक इज़ नॉट दैट स्ट्रांग तो आप थोड़ा वैसा बेसिक वाला भी बुक ले सकते हैं ठीक है ठीके? तो अगर गिलबर्ट है तो अच्छी बात है आप उसे पढ़ लीजिए Hmm. हम लोग देखते हैं क्या है आपको क्या रीजन दिया गया पहला रीजन दिया है कि सिक्स हाइपोडर्मल वल्व बिकॉज से फॉर्म इकोवैलेंस ग्रुप ऑफ सेल करेक्ट आउट ऑफ विच ओनली थ्री इज पार्टिसिपेटिंग इन वल्व ऑफ फॉर्मेशन और बाकी के थ्री जो है वो रिजर्व सेल है वही तो हमने बोला कि तुम अभी रुक जाओ अगर जरूरत पड़ेगा तुमको बोलेंगे दैट मीनस वॉट दे आर रिजर्व सेल्स तो ये थ्री सेल्स आर रिजर्व सेल तो ए स्टेटमेंट तो करेक्ट है

वो सब के सब वल्वर पिकर्स सेल्स है इलेवन को छेक्ट छे किया गया इलेवन में से एंड एवरी सिक्स वल्वर नॉट नॉन वल्वर तो ये तो कतई सही नहीं हो सकता बी स्टेटमेंट इज डेफिनेटली इन कर स्टेटमेंट सो आंसर वन एंड टू नहीं हो सकता ओके नाउ कमिंग टू स्टेटमेंट नंबर थ्री एंकर सेल फंक्शन एज एन इंड्यूजर विच कैन इंड्यूज एपीथिलियल सेल ऑफ दी गो नॉट टू जेल टू गेट रिक्रूटेड टू कंपनसेट फॉर द लॉस सो एपिथिलियल सेल को वो नहीं लॉस करने रिक्रूट करेगा हाइपोडर्मल्स को रिक्रूट करवाएगा और वो बनवाने का मदद करेगा थ्री हाइपोडर्मल सेल किसी सेल्स को भी इंडियोज नहीं कर सकता भैया जिसको फेट जिसको बोल दिया गया हॉकजीन ने कि भाई तुम रिजर्व है तुम हाइप वल्व प्रकस एल है तुम्हारा काम वल्वा बनाना है वही तो बनाएगा ना कोई और सेल थोड़ी बना पाएंगे सो ऑब्वियसली आंसर ए और डी राइट होने वाला है ठीक है सो आंसर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी

मैच द कॉलम कॉलम ए को कॉलम बी के साथ आपको मैच करना है वन 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 ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं वन टू थ्री फोर है वन 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 कौन सा ऑप्शन है के <laughs> okay, और ओके चलिए आंसर हम लोग देखते हैं ओके सो वन एंड टू दो आंसर मिला वन एंड टू सो लेट अस सी आंसर क्या होगा इसका सो आंसर इज वन 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 करेक्ट ठीक है है वन आंसर होने वाला ओके रुचि चलिए देखते वन आंसर क्यों होगा क्या बोला गया लॉस ऑफ ऑफ फंक्शन लाइन थ्री का फंक्शन नहीं हो रहा है लाइन थ्री नहीं रहेगा तो क्या कुछ वल्वा डेवलपमेंट हो पाएगा वल्वा प्रिकर्स सेल कोई फेट अटेन कर पाएगा कुछ नहीं हो पाएगा सबके सब क्या ऐसे रह जाएंगे टर्शरी जैसे रह जाएंगे ठीक है तो ऑल वल्वा प्रिकर्स सेल इज गोइंग टू अडॉप्ट टर्शरी फेट ऑब्वियसली तो आंसर या तो वन या तो टू होगा इसके हिसाब से ठीक है कमिंग टू स्टेटमेंट सेकेंड इज लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ लाइन थ्री एंड गेन ऑफ फंक्शन ऑफ ट्वेंटी थ्री मतलब क्या बोला लाइन थ्री नहीं आ रहा है लेकिन ट्वेंटी थ्री एक्टिवेटेड है ट्वेंटी थ्री को लाइन थ्री का जरूरत था ना एक्टिविटी के लिए अभी लाइन थ्री नहीं है फिर भी एक्टिवेटेड है तो लाइन थ्री का कोई मकसद है क्या कोई मकसद नहीं है लेट ट्वेंटी थ्री पूरे के पूरे छह वल्वा से सेल के ऊपर में प्रेजेंट था तो सब एक्टिवेटेड हो जाएंगे तो सबके सब डेवलपमेंट सब शुरू करेंगे तो सबका सब डेवलपमेंट शुरू करेगा तो मल्टी वाल्व बनेगा सारे के सारे सेल डेवलपमेंट शुरू कर देंगे तो मल्टीवल फॉर्मेशन होगा तो आंसर विल बी कमिंग टू सी रिड्यूस फंक्शन फंक्शन ऑफ लाइन लाइन का रिड्यूस हो गया जब रिड्यूस फंक्शन हो जाएगा तो क्या होगा जो लाइन थ्री पहुंच रहा था सेकेंडरी फेड बनाने वाले के पास सब नहीं पहुंचेगा तो सबके जो एक था वो बस प्राइमरी फेड बनाएगा बाकी सबका सब टर्सरी सब अटेन करेगा तो यानी क्या होगा पी सिक्स री लेस इन फंक्शन ठीक है एंड ओवर एक्सप्रेशन अगर लाइन थ्री का होने लग जाएगा तो ज्यादा प्राइमरी सेकेंडरी बनेगा टर्शरी नहीं बनेगा ज्यादा से ज्यादा टर्शरी के पास भी पहुंच जाएगा जिसकी वजह से सबको टर्शरी नहीं बचेगा और वो सेकेंडरी बना देगा सो आंसर विल बी डेफिनेटली वन ठीक है सो आंसर वन होने वाला है सो दिस वॉज इट फॉर टुडे गाइज थैंक यू वेरी मच अगर आज सेशन अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक सेशन आ, और हम्म <coughs> यस और अगर आप प्लस में ज्वाइन करना चाहते हैं आना चाहते हैं दीज आर द कोर्सेजेज विच इज़ रनिंग ऑन प्लेटफॉर्म अभी जो चल रहा है यूनिट फोर यूनिट थर्टीन यू कैन ज्वाइन मी ऑन अन अकेडमी प्लस इफ आर देयर इन प्लस इट्स फाइन यू कैन अटेंड माई क्लासेस टेन थर्टी इन दॉर्निंग ट्वेल्व थर्टी इन द आफ्टरनून अरवाइज यू कैन प्लान योर सब्सक्रिप्शन बाई यूजिंग के एट एंड लाइव माई रेफरल कोड अपकमिंग प्लस में कोर्सेज में है यूनिट इलेवन और यूनिट थ्री एंड यूनिट वन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर आप प्लस में सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपके पास आज बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि फॉर दिस सेवनटीन टिल सेवनटीन आपके पास अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा डिस्काउंट का दैट एक्स्ट्रा डिस्काउंट यू आर गोइंग टू गेट फिफ्टीन प्लस टेन परसेंट डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं छः महीने के लिए या बारह महीने के लिए या ट्वेंटी फ़ोर मंथस के लिए यू कैन सब्सक्राइब टिल सेवनटीन आपको मिलेगा दस परसेंट प्लस फिफ्टीन परसेंट यू आर गोइंग टू सेव ठीक है एंड यू कैन यूज रेफरल कोड के टाइफ टू गेट दिस टू दिसन परसेंट डिस्काउंट ठीक है आप मेरे रेफरल कोड को यूज करना मत भूलिएगा ठीक है टेन परसेंट डिस्काउंट एंड वन मोर थिंग कि कल एक स्पेशल क्लास है अन अकेडमी प्लेटफॉर्म में शाम के चार बजे क्लास होगा चार से पांच एक घंटे का सेशन है और अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन सेंस ऑर्गन टॉपिक है ठीक है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन सेंस ऑर्गन टॉपिक है सो यू कैन अटेंड माई सेशन विच इज़ फ्री सेशन डेफिनेटली आप अटेंड कर सकते हो और यूट्यूब के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे सेम टाइम थ्री थर्टी विथ न्यू टॉपिक दैट इज प्रोटीन स्ट्रक्चर यू कैन यूज माई रेफरल कोड के ट लाइव टू लॉग इन टू इंस्टॉल एंड साइन अप टू दिन अकेडमी ऐप आप ये यूज कर सकते हो मेरे कोड को एंड यू कैन गेट डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट ओके सो थैंक यू सो मच गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में टिल देन अपना ध्यान रखिए अपना ख्याल रखिए पढ़ते रहिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड uh, अगर आपने अनक अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा प्रोफाइल लिंक मिल जाएगा मेरे स्पेशल क्लास का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा अनक अकाडमी का आप वहाँ पे भी जा सकते हैं सो दैट विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेज ओके थैंक यू सो मच बाय टेक केयर